we discussed about the rationalization, right? What is the meaning of rationalization? What are the various elements of rationalization? In today's class, we are going to complete that what is the various differences between the rationalization and scientific management. Okay. Before that, there are some feature which is given in your book. Please open your notebook. Book. Please open your book. Book open कीजिए. In page number 12, features of rationalization and whatever we studied in element of rationalization, both are same. But एक बार book से भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है? First point is combination. See, in the scientific management, हमने combination वाला term कहीं नहीं पढ़ा था. लेकिन in this term, in rationalization, combination या का मतलब क्या है? Amalgamation और merger. Merger मतलब मिल जाना. Merger मतलब? So what is the meaning of combination here? Combination का मतलब है amalgamation और merger. या तो हम sick unit का मतलब वैसे units होते हैं जिसकी ज़्यादा जिसमें productivity भी high नहीं है. Production लगभग बंद हो चुका है क्योंकि product का market में demand नहीं है. यानी मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट का लगभग खत्म हो चुका है तो वैसे यूनिट सिक यूनिट हो जाते हैं जिससे हमारा कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा जिससे हमारा कोई इनकम नहीं आ रहा है ठीक है तो वैसे अगर कोई भी यूनिट अगर है विद इन द इंडस्ट्री ठीक है विद इन द इंडस्ट्री देयर आर सो मेनी यूनिट्स अगर कोई भी यूनिट ऐसा है जो सिक है तो हम इसको क्या करेंगे बेसिकली जो स्ट्रॉन्गर यूनिट के साथ मर्ज कर देंगे स्ट्रॉन्गर यूनिट के साथ क्या करेंगे उसको हम मर्ज कर देंगे यानी सिक यूनिट को भी यूटिलाइज करने के लिए हम उसको स्ट्रॉन्गर में जब मर्ज करेंगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा प्रॉपरली फिर यूनिट चलना शुरू हो जाएगा ठीक है सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है रेशनलाइजेशन कॉल्स फॉर एमलगमेशन मिल जाना और मर्जर ऑफ स्मॉल और वीक यूनिट विद बिग एंड इफिशियंट यूनिट यानी छोटे यूनिट और जो वीक यूनिट है उनको किसके साथ मर्ज कर देना बड़े और इफिशियंट यूनिट के साथ क्लियर हो गई बात ठीक है और जहां पर भी रिक्वायर होगा जहां भी जरूरत होगा हम रिमूव करेंगे ओवर कैपेसिटी को इफिशियंसी सच एज रिमूवल ऑफ ओवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे स्कार्स रिसोर्सेस को तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन मतलब कि विद इन द रेशनलाइजेशन वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन क्लियर हो गई बात कॉम्बिनेशन क्लियर सेकेंड पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लाइक वी हैव टू बेसिकली एलिमिनेट करना है अननेसेसरी आइटम्स को वी हैव टू एलिमिनेट द अननेसेसरी आइटम्स इन द इंडस्ट्री जो अननेसेसरी आइटम है जिसकी जरूरत नहीं है मार्केट में डिमांड नहीं उनको रिमूव कर देंगे ठीक है और हम रिस्ट्रिक्शन मतलब हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्शन टू फ्यू वेराइटीज यानी कि हम प्रोडक्शन में कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देंगे कि बस इतना ही प्रोडक्शन करना है लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक टर्म पढ़ा था ना हमने कि रिस्ट्रिक्शंस क्या कर देना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हटा देना है लेकिन रेशनलाइजेशन कहता है कि कुछ वेराइटीज में हमें क्या लगाना चाहिए रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट क्लियर हो गई बात तो स्टैंडर्डाइजेशन लगाना है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी बेसिस यानी क्वालिटी भी हमें क्या रखना है सिमिलर रखना है सब प्रोडक्ट क्लियर हो गई बात कॉम्बिनेशन स्टैंडर्डाइजेशन स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है बेसिकली सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन स्टैंडर्डाइजेशन द थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि बेसिकली हम क्या करेंगे बेसिकली स्पेशलाइज What is the meaning of specialized expert? ठीक है जिस भी प्रोडक्शन जो भी यूनिट में जैसा भी पर्सन एक्सपर्ट होगा जितना ज्यादा इफिशियंसी के साथ प्रोडक्शन करेगा उसी यूनिट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे यानी कि हम स्पेशलाइजेशन को यूटिलाइज करेंगे जितना ज्यादा हाई स्पेशलाइजेशन उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा क्लियर हो गई बात तो वी आर गोइंग टू कंसर्न टुवर्ड द स्पेशलाइजेशन ठीक है नेक्स्ट वन इज मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ वैरायटीज को स्पेशलाइजेशन के साथ अपना बेसिकली प्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन अच्छा स्पेशलाइजेशन क्यों जरूरी है ताकि वेस्टेज ना हो ताकि आपका रिसोर्स यूटिलाइज हो और जो आपका जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है यानी मार्केट में सैचुरेशन पॉइंट है आप अपने आप को डिस्टिंक्ट कैसे दिखाओगे अलग कैसे दिखाओगे
है ना, तो उसके लिए बेसिकली उसके लिए क्या, ठीक है, कटथ्रोट कंपटीशन है। अगर आपने जो भी प्रोडक्शन किया वो बेटर अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी कि अच्छे क्वालिटी नहीं हुआ, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गया, एरर हो गया उस प्रोडक्शन के टाइम पे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपरली सेल नहीं होगा। तो जो भी एक्सपर्टीज आपके पास है और जो जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब जहां जहां उनका यूटिलाइजेशन है, हम कम ही प्रोडक्शन करेंगे लेकिन स्पेशलाइजेशन के साथ। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस भी करेंगे, लेकिन विद द यूजिंग द सिंपल मेथड्स और टूल। सिंपल मेथड्स और टूल का मतलब ये नहीं कि हैंडी टूल्स, मशीनरी यूज करेंगे लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिंपल वे में करेंगे। ऐसा ना हो कि मशीन को शुरू करने में 1 घंटा लग जाए, तो 1 घंटा वेस्टेज, ठीक है। तो रेडी रखेंगे हमेशा मशीन को वर्क करने के लिए, और बेसिकली क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे वर्क मेथड्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जितने ओल्ड मशीन होंगे सबको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे न्यू मशीन से, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिसर्च करेंगे, मार्केट पे रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट पे रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च, मार्केट ट्रेंड, सब पे रिसर्च का काम करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिसर्च का बात नहीं था ना कहीं पर भी? नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ऑन इंडस्ट्री वाइड स्केल। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मतलब आपका है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑन इंडस्ट्री वाइड स्केल, यानी कि रेशनलाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट ही है, लेकिन जहां पर हम एक सिंगल यूनिट पे यूज करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, बेसिकली रेशनलाइजेशन को वी आर गोइंग टू यूज इन होल इंडस्ट्री। क्लियर हो गई बात? यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट जहां एक या दो इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कैन बी यूज इन द होल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि वी आर गोइंग टू कंसर्न टुवर्ड द सोसाइटी एज वेल, मतलब प्रोस्पेरस सोसाइटी हमारा कैसे बने, ठीक है, कैसे हम प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स कंज्यूमर्स सबके लिए कुछ बेटर कर पाए, ठीक है। उसके अलावा रिड्यूस कैसे कर पाए कॉस्ट को, ताकि कंज्यूमर को लेस कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए। प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज करें, वर्कर्स को हम किस तरीके से जो शेयर हो हमारा प्रॉफिट का, वो किस तरीके से उनको प्रोवाइड कर पाए, सो और उनका वर्कलोड को कैसे कम कर पाए। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी रेशनलाइजेशन के ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो कॉम्बिनेशन स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ प्लांट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑन इंडस्ट्री स्केल, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, ये 7-8 जो थे, दैट इज अ फीचर और एलिमेंट्स ऑफ रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट वन राइट, डिफरेंस बिटवीन रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला बेसिस लिखिए नेचर एंड स्कोप के बेसिस पे। अगर हम देखें पहला बेसिस नेचर एंड स्कोप, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। यानी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल दिए टेलर ने, 5 प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली वो 5 प्रिंसिपल के साथ आपका क्या चलता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। और ये ज्यादातर बिजनेस यूनिट पे चलता है, यानी कि एक या दो बिजनेस यूनिट पे वो अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम रेशनलाइजेशन को देखें तो इट कवर्स द होल इंडस्ट्री। लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड्स जो भी होंगे दैट विल बी अप्लाइड इन होल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और बिजनेस यूनिट में क्या अंतर है प्रत्यय? इंडस्ट्रीज में और बिजनेस यूनिट में क्या अंतर है? बिल्कुल यही अंतर है कि आपका इंडस्ट्री, जैसे कि अगर हम मान ले कि अगर बैठो बेटा लिखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। लेकिन रेशनलाइजेशन जो है ये बेसिकली बिजनेस, मतलब जितने भी बिजनेस यूनिट है सबको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, बेसिकली सबको रीऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। जितने भी बिजनेस यूनिट है सबको रीऑर्गेनाइज करेगा कौन, आपका रेशनलाइजेशन।
अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो इट एलिमिनेट वेस्ट इनफिशियंसी विद इन द इंडिविजुअल यूनिट, मतलब एक यूनिट में इफिशियंसी इनफिशियंसी और वेस्टफुल जो भी इवेंट हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। रेशनलाइजेशन पूरे के पूरे इंडस्ट्री से ये चीज रिड्यूस करेगा। समझ में आई बात? इसके अंदर भी तीन पॉइंट है, लिखिए। फर्स्ट नेचर एंड स्कोप में लिखिए पहला डिफरेंस। साइंटिफिक मैनेजमेंट involves the application, साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट involves the application of scientific principles to a business unit। बस देखो याद करने का तरीका क्या है कि अगर कोई सिंगल यूनिट पे कोई भी मेथड लग रहा है तो वो साइंटिफिक है, पूरे इंडस्ट्री में जो यूज होगा दैट इज रेशनलाइजेशन। क्लियर हो गई बात? इसको याद रखना, बस ये सबसे मेजर डिफरेंस है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू अ बिजनेस यूनिट। रेशनलाइजेशन में लिखो, रेशनलाइजेशन कवर द इंटायर इंडस्ट्री। रेशनलाइजेशन कवर द इंटायर इंडस्ट्री, आगे लिखिए logic and scientific methods are applied। Rationalization covered the entire industry, logic and scientific methods are applied। यानी कि क्या methods apply होगा? लॉजिक और साइंटिफिक मेथड अप्लाई होगा रेशनलाइजेशन में, लेकिन पूरे इंडस्ट्री में। क्लियर होगी बात? आगे लिखिए ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दूं, बस दो दो वर्ड वाले, वो याद हो जाएंगे जल्दी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखिए रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। उधर लिखिए रेशनलाइजेशन में राइट, tries to reorganize all the business units in an industry। उसमें क्या था? रिस्ट्रिक्टेड इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, tries to reorganize the business units within an organization या industry, sorry। Next लिखिए scientific में लिखिए, ये सारे nature scope में ही चल रहा है। Next लिखिए scientific management में लिखिए eliminate waste and inefficiency। Scientific में लिख रहे हैं ना, scientific में लिखना है। Scientific में लिखिए eliminate waste and inefficiency within an individual unit। Eliminate waste and inefficiency within an individual unit। Rationalization में लिखिए सेम वही चीज को, ऐसे दो बार कॉमा कर दीजिए, बस उसमें लिखिए यूनिट इन एन इंडस्ट्री। वहां पर क्या लिखा था आपने, उसमें इंडिविजुअल यूनिट लिखा था ना, वही सेम टू सेम रेशनलाइजेशन में लिखिए, बस लास्ट में एन इंडस्ट्री कर दीजिए। इंडिविजुअल यूनिट की जगह एन इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडिविजुअल यूनिट में काम करता है और वो दूसरा कहां पर काम करता है, पूरे इंडस्ट्री में। तो ये है नेचर एंड स्कोप के बेसिस पे ये सारे डिफरेंसेस। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को भी कुछ पूछना है फर्स्ट पॉइंट में? मेजर अगर हम ओवरऑल डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आया कि एक नैरो वे में काम कर रहा है, एक ब्रॉडर वे में काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए काम कर रहा है और एक पूरे इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? वो भी सेम काम करेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी सेम करेगा, एलिमिनेट करेगा वेस्टफुल जो भी आपका इनिफिशियंसी या फिर जो भी आपका सेक्शन है उसको क्या करेगा, हटाएगा, राइट? लेकिन वही चीज अगर हम दूसरे तरफ देखें तो वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री में ये काम करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, नेचर एंड स्कोप के बेसिस पे डिफरेंसेस क्लियर हो गए सबको?
नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन. चलो वापस आ जाते हैं. चलो द बेसिस ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा बिजनेस यूनिट्स का, जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, जो भी वीक और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग वाले हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में दैट इज नॉट ऑल कंसर्न टुवर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट्स. क्लियर हो गई बात? तो इसको लिख लो डिफरेंसेस. लिखिए रेशनलाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखो, पहले रेशनलाइजेशन में लिख लो. लिखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखना है तो लिख लो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, यानी उनके अगर कोई सिक यूनिट भी है तो दे आर नॉट कंसर्न टुवर्ड इट. ठीक है, वो अपना एक यूनिट पे साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे और वही चलता चला जाएगा. लेकिन रेशनलाइजेशन कहता है कि हमें दूसरे यूनिट, जो मेरा वीकर वीक यूनिट है, उसको भी लेके चलना है हमें, तो हमें क्या करना है, उनको कंबाइन कर देना है स्ट्रॉन्ग यूनिट के साथ. ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन कहता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट को कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है. रेशनलाइजेशन में लिखो, इन रेशनलाइजेशन राइट, रेशनलाइजेशन इसेंशियली इन्वॉल्व्स, रेशनलाइजेशन इसेंशियली इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अननेसेसरी अननेसेसरी कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेस एंड सिक यूनिट्स. फिर से लिखिए, रेशनलाइजेशन इसेंशियली इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन ऑर्डर टू एलिमिनेट अननेसेसरी कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेस एंड सिक यूनिट. ठीक है, रिसोर्सेस एंड सिक यूनिट, यानी रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी सिक यूनिट है, जो भी बीमारू कहते हैं जिनको, वैसे इंडस्ट्री, जो बीमार इंडस्ट्री है, वैसे इंडस्ट्री को भी कौन लेके साथ चलता है आपका, रेशनलाइजेशन. दूसरे इंडस्ट्री जो है, आपके मार्केट में ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है, जो वीक इंडस्ट्री होगा वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा मार्केट से, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका क्या है, या तो उसको हम कंबाइन करा दे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री के साथ. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेसिस इज ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न्ड होता है कि इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, लेकिन बिजनेस यूनिट का और आपका रेशनलाइजेशन का एम क्या होता है, वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट को हटाओ, एलिमिनेट करो, या तो उसको कंबाइन करा दो, डिटरमाइन करो प्राइस को, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को, टेक्निकल कॉमर्शियल और इकोनॉमिक रिसर्च को यूज करो. तो इन शॉर्ट समझ लो, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है, उस हिसाब से वो अपने यूनिट को चलाता है. रेशनलाइजेशन कॉम्बिनेशन यूज करता है, एलिमिनेशन मेथड यूज करता है, रिसोर्सेस को पुल करता है, रिसर्च को यूटिलाइज करता है. ठीक है, उसके अलावा प्राइस को डिटरमाइन करता है, मोर कैलकुलेबल या फिर कैलकुलेट वर्जन में बेसिकली रिजल्ट प्रोवाइड करता है. क्लियर हो गई बात? तो ऑब्जेक्टिव में लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या है उसको चलाने का, साइंटिफिक मैनेजमेंट को और रेशनलाइजेशन को. तो लिखिए, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखिए, इट इज कंसर्न्ड विथ
इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ अ बिजनेस यूनिट, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ अ बिजनेस यूनिट। इफिशियंसी का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के साथ कॉस्ट डिक्रीज कर देना, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो और कॉस्ट भी डिक्रीज हो, ये एम किसका है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। क्लियर हो गया बात, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लेकिन रेशनलाइजेशन का सिर्फ यही टर्म नहीं है कि इफिशियंसी चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, इनकम अच्छे से कैलकुलेट हो, प्राइस डिटरमाइन हो, रिसर्च को यूटिलाइज करें। क्लियर होगी बात, तो मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉडर है आपके साइंटिफिक से। लिखिए इसमें रेशनलाइजेशन में लिखिए एलिमिनेटिंग एंड कंबाइनिंग वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट, एलिमिनेटिंग एंड कंबाइनिंग वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एलिमिनेशन की भी बात हो रही है कॉम्बिनेशन के साथ साथ, तो कौन से कंडीशन में हम कंबाइन करेंगे इंडस्ट्रीज को और कौन से कंडीशन में एलिमिनेट करेंगे। तो देखो, जो भी वैसे यूनिट है जो प्रॉफिट हमें कॉस्ट के इक्वल दे रहा है, यानी कि जहां हमें ना लॉस हो रहा है ना ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे वीकर ही यूनिट में आएंगे, तो उसको हम कंबाइन करेंगे। लेकिन जो हमें प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, यानी कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट लगा है प्रोडक्शन में उतना भी पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम वैसे यूनिट को एलिमिनेट करेंगे। आई बात समझ में? एलिमिनेशन कब होगा, जब आपका यूनिट इतना एक्सट्रीम लॉस में है कि वो कॉस्ट का भी पैसा निकाल नहीं पा रहा है, और जहां कॉस्ट और रेवेन्यू मतलब आपका इक्वल हो जाएगा वहां पर आपका यूनिट वीक है लेकिन एटलीस्ट कॉस्ट निकल जा रहा है, तो ऐसे केस में हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट लिखिए ऑब्जेक्टिव में लिखिए रेशनलाइजेशन में, लिख लिया ना साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनलाइजेशन में लिखिए इट एम्स एट एलिमिनेटिंग, रेशनलाइजेशन में लिखो ऑब्जेक्टिव, लिख लिया है, आगे उसमें और भी है, ठीक है, कंबाइनिंग एंड एलिमिनेटिंग ऑफ अ वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट। आगे लिखिए प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस, आगे लिखिए टेक्निकल नॉलेज यूटिलाइजेशन, हाँ, फिर आगे लिखिए टेक्निकल नॉलेज यूटिलाइजेशन, यानी टेक्निकल कंसेप्ट को भी यूज करेंगे, टेक्निकल नॉलेज यूटिलाइजेशन, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल रिसर्च, यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह जो आपका होता है ना, ये सारा का सारा हम यूटिलाइज करेंगे किसमें, रेशनलाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तो कंसेप्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिसर्च। कॉमर्शियल का मतलब कि आप सेल कैसे करो, ट्रेड कैसे करो, मार्केटिंग कैसे कर रहे हो वो। उसके अलावा इकोनॉमिक का रीजन क्या होगा कि मार्केट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉम्पिटिशन, डिमांड, सप्लाई। क्लियर होगी बात, तो ये सब टाइप का रिसर्च को यूटिलाइज करेंगे हम किसमें, रेशनलाइजेशन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेसिस लिखिए एप्लीकेशन में लिखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखिए इट इज कंसर्न्ड विथ इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इफिशियंसी को इंक्रीज करने की बात हो रही है। इट इज कंसर्न्ड प्राइमरली विथ इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज।
existing production facilities. Increase efficiency of existing production facilities. इसका मतलब क्या हुआ कि basically आपका जो scientific management है, ये जैसे मान लो कि एक यूनिट है जिसमें 5000 प्रोडक्शन पर डे के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, उसको 5000 से 6000 में कन्वर्ट करना, ये एम है बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का, यानी कि जो करंट में प्रोडक्शन हो रहा है उसको इम्प्रूव करना, क्लियर होगी बात। लेकिन रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि रेशनलाइजेशन बाकी और भी एक्टिविटीज को कंसर्न करता है, इफिशियंसी बढ़ाना, पूरे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, सिंप्लीफिकेशन लाना, नए मशीनरी को अडॉप्ट करना, मेकेनाइजेशन लेकर आना, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना पूरे इंडस्ट्री में, ये सब पे काम करता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैंने पहले बताया था कि उसका एक ही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, लेकिन रेशनलाइजेशन का मतलब है कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना, ठीक है, सिर्फ एक यूनिट को नहीं पूरे इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना, पूरे इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन लागू कर देना, पूरी इंडस्ट्री में सिंप्लीफिकेशन यूज करना, मेकेनाइजेशन लेकर आना, मॉडर्नाइजेशन लेकर आना, ये एम किसका है आपके, रेशनलाइजेशन का। तो इसमें लिखे लिख लिया ना, साइंटिफिक लिख लिया, रेशनलाइजेशन में लिखो आगे लिखिए, इसमें रेशनलाइजेशन में लिखिए इट ऑल्सो या इट कवर्स, रेशनलाइजेशन में लिखिए इट कवर्स अ नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज, द नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब रेशनलाइजेशन इफिशियंसी इंक्रीज करता है, वो भी करेगा, लेकिन इट ऑल्सो इट ऑल्सो इंक्लूड, या लिखो इसमें इट ऑल्सो कवर्स द नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज लाइक स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड मेकेनाइजेशन, एंड मेकेनाइजेशन, एंड मेकेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा और आगे लिखिए, इट ऑल्सो लिख लिया ना मेकेनाइजेशन, फिर कॉमा देके लिखो फाइनेंसिंग, इट ऑल्सो कवर्स फाइनेंसिंग, इट ऑल्सो कवर्स फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेजिंग, इट ऑल्सो कवर्स प्रोडक्शन बट ऑल्सो फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड परचेजिंग, इट ऑल्सो कवर्स फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, purchasing, production. It also covers financing, distribution, production and purchasing. The scientific management सिर्फ क्या देखता है, principles को, technical aspect को business unit के लिए, लेकिन आपका जो rationalization है वो क्या देखेगा, standardization, simplification, प्रोडक्शन, परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरा मार्केटिंग को भी कवर कर लेता है, कौन आपका, रेशनलाइजेशन, क्लियर हो गई बात। लेकिन वहीं पर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी के साथ डील करता है ना, टेक्निकल वे में कैसे इंप्रूव करे, कैसे वर्कर्स को इफेक्टिव बनाए, इफिशियंट बनाए, साइंटिफिक वो करता है, लेकिन रेशनलाइजेशन वो भी करेगा, साइंटिफिक मेथड्स के भी सारे पॉइंट को कवर कर लेता है रेशनलाइजेशन, उसके अलावा बाकी भी एप्लीकेशन लाइक यानी फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, लोन से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, परचेजिंग से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड परचेज करना, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड विद द मार्केटिंग, लास्ट बेंच, इन सब चीज से रिलेटेड बेसिकली कौन काम करता है, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट लिखे मैकेनिज्म, नेक्स्ट बेसिस लिखे मैकेनिज्म। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एक ऐसा सिस्टम है जिसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है, F.W. टेलर के प्रिंसिपल के द्वारा, तो एक डिटरमाइंड प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को रन कर रहा है, लेकिन रेशनलाइजेशन में कोई भी ऐसा फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेंट सिचुएशन को देखते हुए आप हर चीज को क्या करोगे, लागू करोगे रेशनलाइजेशन में, यानी जैसा डिमांड होगा, जैसा कंडीशन होगा, वही चीज लागू करेंगे, अगर लगेगा कि कॉम्बिनेशन की जरूरत है वही करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन लाना है वो करेंगे, सिंप्लीफिकेशन लाना है वो करेंगे, नया कुछ मशीन आया वो करेंगे, लेकिन जो आपका F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो एक डिटरमाइंड प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के चलेगा, क्लियर हो गई बात यहां तक, इसको लिखिए फिर समझाऊंगी इसे एक बार, साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखिए, इट इज प्रोपाउंडेड बाय, It is propounded by
इट इज प्रोपाउंडेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर प्रोपाउंडेड या गिवन बाय लिख लो इट इज गिवन बाय FW Taylor by FW Taylor and has a well defined mechanism to bring efficiency in the production system. Scientific management mein likhiye it is given by FW Taylor has a well-defined mechanism to bring about efficiency in the production, efficiency in the production system. It is propounded by a given by F.W. Taylor and has a well-defined mechanism to bring about efficiency in the production system. Rationalization mein likhiye it does not have a fixed or predetermined mechanism. Yani koi bhi system inka determined ya fixed nahi hai. It does not have a fixed or predetermined mechanism. ठीक है, कोई भी इनका मैकेनिज्म जो है वो फिक्स्ड नहीं है. जैसा कंडीशन उस समय रिक्वायर्ड होगा इंडस्ट्री के लिए वैसे स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे. क्लियर हो गई बात? लेकिन एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा जो सारे दिए गए प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिट के लिए फॉलो होता रहेगा. क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट क्लियर हो गए यहां तक? किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? पांच मैंने बेसिस पे कराया डिफरेंसेस. कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो बेटा. आपका जो इंटरनली सिस्टम चल रहा है, जैसे मशीन कहाँ रखना है, वर्कर कौन होंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, ये सारे सिस्टम साइंटिफिक मैनेजमेंट में आएंगे. लेकिन इंडस्ट्री की जब हम बात करें तो सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल जो आपके सिस्टम, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, उन सबको बेसिकली हम ध्यान में रखेंगे इन द टाइम ऑफ रेशनलाइजेशन. साइंटिफिक का मतलब है हम इंटरनली अपने यूनिट को इम्प्रूव करें. ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब हम पूरे इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें, सारे के सारे सिस्टम, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, सबको ध्यान में रखें. ठीक है, अपने आप को सिस्टम, अपना सिस्टम को इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखना, अपना ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली सही रखना, ये है आपका साइंटिफिक. तो ये सिर्फ इंटरनली चलेगा. ठीक है, लेकिन रेशनलाइजेशन इज ए कंसेप्ट जो एक्सटर्नल सिस्टम को भी क्या करेगा, कवर करेगा. क्लियर होगी बात? एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो कंट्रोल हम कभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेडी रह सकते हैं, उसके लिए हम सर्टेन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, है ना. तो ये है आपका इंटरनल में जो भी चीज लागू होगा, वर्कर्स पे लागू होगा, जो भी चीज लागू होगा वहां के मशीन पे लागू होगा, आपका सुपरवाइजर और मैनेजर पे लागू होगा. किसमें? आपका साइंटिफिक में. और जब हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन की तो हर एक इंडस्ट्री यूनिट पे होगा. इंडस्ट्री से कहां सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब चीज पे मतलब लागू होगा रेशनलाइजेशन. आई बस समझ में? थैंक यू मैम. ओके.